इस कलिकाल में जब आचार्यों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इस कलयुग को कैसे पार करें, उन्होंने बहुत सरल रास्ता दिया, कानों से भगवान की कथा सुनो और होठों से भगवान का नाम बोलो, बस दो ही साधन। कानों से भगवान की कथा सुनिए और मुख से, होठों से, जिह्वा से भगवान का नाम लीजिए। कलयुग में सुनकर ही आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। जो बेटा अपने माता पिता की सुनता है वो संपत्ति का बहुत आराम से मालिक हो जाया करता है, जो सुनता है उसकी। माता पिता उसको मन करता है और क्या दे, और क्या दे, और क्या दे, और क्या दे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दो, और भी दो। तो जो पुत्र अपने पिता की माँ की आवाज को प्यार से बिना मुंह बनाए, बिना भौ चढ़ाए सुन लेता है, माता पिता चाहते इसको और क्या दे दे, इसको और क्या दे दे, इसको और क्या दे दे, हम सुनते नहीं। कबीर ने कहा है ये, इस कलयुग में बेड़ा पार करना चाहते हो तो कथा सुनो। उन्होंने लिखा है, तेरी सुनत सुनत बन जा, करे।
जहां जगह मिले, जहां मौका मिले कथा सुनो। इस कलयुग में दो ही भजन है, कानों से कथा सुनना, भगवान की बातें सुनना, और होठों से भगवान की बातें करना। बातें करना माने भगवान का नाम लेना, उनकी चर्चा करना। कानों से सुने, बाकी सब पुस्तकालय में पुस्तक जमा कर दीजिए। शास्त्र ने ही लिखा है, पुस्तकस्था त्वया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धन। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर काम नहीं आता। नीति का श्लोक है, पुस्तकस्था त्वया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या। एक सिर की खुजली ठीक करने के लिए अध्ययन करते रहिए, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे भजन नहीं बनता और भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलता है पुकारने से। नाम लेकर उसे पुकारो, नाम लेकर बुलाओ। भारी भीड़ है, दशहरे का मेला है, भगदड़ मची है, आपका प्रियजन भटक गया, उसमें छूट गया हाथ से, हमारा साथ छूट गया भीड़ भड़क्का में, कैसे बुलाएंगे? तो जोर जोर से उसका नाम लिया जाता है या माइक वाले से नाम लिवाया जाता है। अमुक नाम का व्यक्ति यहाँ आ जाए, उनके परिजन प्रियजन उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उस कोलाहल में, उस भीड़ में कभी न कभी उसके कान में बात पहुंच जाती है और वो कंट्रोल रूम पर जाकर अपने परिजन से मिल लेता है। जाकर इस संसार के भीड़ भरे कोलाहल में भगवान को पुकारो, और कोई सुनेगा नहीं, भगवान सुनकर दौड़ता है। भगवान पुकारे ही जाते हैं। ये जो नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, ये भी पुकार है। एक पुकार जरा जोर से होती है, एक पुकार बुदबुदाकर धीरे धीरे होती है, ले होती वो पुकार ही है। किसी ने भगवान खोजा नहीं और न कोई खोज सकता है, किसी के वश की बात नहीं है। एक तो उनका कोई हुलिया मालूम नहीं क्या हुलिया है उनका, दूसरे उनका ठौर ठिकाना मालूम नहीं। आप कहेंगे कि वो अयोध्या रहते हैं, कि वो वृंदावन रहते, तो वृंदावन वालों को पूछ लो कि मिल गए कि नहीं मिल गए। वो भी दिन रात गा रहे हैं, वही दिन रात पुकार रहे हैं। तो भगवान पुकारे जाते हैं। गज ने पुकारो मैंने गरु न बिसारो, और ग्राहक बचारो सुने प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरु न बिसारो, और ग्राहक बचारो सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बने आस है तिहारी, कहो जाऊं का केदार। द्रौपदी पुकारी सुने लीजे मनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं का केदार। सुनी भगत हित सावरिया सेठ बने, नरसी भगत
भगत हित सांवरिया सेठ बन नरसी भगत हित सांवरिया सेठ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हिरण्याक से मारो सुधे भूरी दधि की हिरण्याक से मारो सुधे भूरी दधि की दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा मैंने साग मिथुर धर खायो खायो नाना ना ते न जायो भक्तन ने मोहे नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने लोक लाज तजी नहीं काज मैंने जाते भरे हुए हृदय से रुंधे हुए कंठ से कप कपाते होठों से डब डबाती आंखों से मंत्रों से नहीं मिलते भगवान। मंत्रों से मिले होते तो विद्वानों को मिल गए होते। भगवान आंसुओं से मिलते जाते बेग द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। और भक्ति कहते हैं आंसुओं की पुकार को। बालक जब रोता पुकारता है माँ 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 सौ काम छोड़कर दौड़ती है बच्चे को उठाने के लिए। सिरसागढ़ में नरसी बैठे हुए बिटिया की बेटी की भात की सूचना पर नरसी गए हैं अंधे साधुओं को लेकर। साथ में कुछ नहीं था। पता लगा बिटिया के ससुराल के बड़ा परिवार था कि कुछ नहीं लाया। एक टूटी सी गाड़ी में 16-17 बूढ़े अंधे साधु लेकर आया। आप कल्पना करो उस बेटी के ऊपर क्या बीती होगी। नाक कटी जा रही है परिवार की के इतने बड़े परिवार की बहू और वहां से पियर से लाने के नाम पर कुछ भी नहीं आया है। इससे तो ना आता तो ज्यादा अच्छा था। चोरी से घूंघट से पर्दे को तोड़कर पर्दे को छोड़कर लांघ कर सीमाओं को धीरे जैसे तैसे छुपते छुपाते उस गौशाला में आ गई रामा जिसमें नरसी उनके पिता उनको टिकाया गया था कि गांव में ना पता लग जाए रात के अंधेरे में इनको फटकार के भगा देना यहां से। और रामा इतना रोई है 22 वर्ष के बाद बेटी अपने बाप को देखती है। कैसी बीती होगी उसको जब ये कहने आई थी पिताजी मेरे ऊपर कृपा करो वापस लौट जाओ वापस लौट जाओ मेरे ससुराल के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 22 वर्ष से आंखें तरस रही थी। शादी के बाद रामा को मायके में नहीं जाने दिया क्योंकि संपत्ति से बेदखल हो चुके थे। भैया ने सारी संपत्ति हड़प ली थी धक्का मारकर निकाल दिया थे। फकीर हो गए थे। गरीब के घर कौन भेजेगा। गरीब से कोई रिश्तेदारी जोड़ना भी नहीं चाहता। रिश्तेदारी होती है तो कोई बताता नहीं है। सब अमीरों का नाम लेते उनसे हमारी बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है उनसे हमारी बड़ी पुरानी रिश्तेदारी। आप कल्पना करो 22 वर्ष के बाद बेटी बाप का मुख देखती है और कितना बड़ा छाती पर पत्थर रखा होगा कि बाबूजी अभी चले जाइए आप मेरी बिटिया की शादी हो जाने दीजिए नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी मेरी बेटी भी जीवित नहीं रहेगी। उस बाप के ऊपर क्या बीती होगी कि 22 वर्ष से नरसी की सूखी आंखों में आज बूंदे आई हैं गीलापन आया है। बेटी को देखा छाती से लगे कोई बात नहीं बेटी मेरा आशीर्वाद है तू कहती है तो हम चले जाएंगे ठीक है तुम अपना रस्म पूरी करो जैसे होती हो तुम्हारे हम लौट जाएंगे। कितना बड़ा पत्थर तो रामा ने हृदय पर रखा होगा और कितना बड़ा नरसी ने रखा होगा।
देवती का मुख भी नहीं देख पा रहा, आशीर्वाद की तो बात ही छोड़ो। रामा लौट कर आई है घर की ओर, नरसी जी ने पुकार शुरू किए, हे द्वारिका नाथ, जय राधा माधव, हरे हरे हरे।
सुनिए जिसको हम लोग कथा कहते हैं, और होठों से भगवान की बातें करिए जिसको हम नाम कहते हैं। इस कलिकाल का केवल एक ही भजन है, कानों से सुने और होठों से बोले, बस यही कलिकाल साधन दूजा। और मनुष्य जो सुनता है, हम लोग जो सुनते हैं, वो हमारे हृदय की संपदा बन जाती है। और बंधुओं, जो मनुष्य कानों से सुनता है वो मन में बस जाता है, और जो बातें मन में बसी होती हैं होठ उन्हीं की चर्चा किया करते। संसार की चर्चाएं सुनोगे मन में संसार बसेगा, दिन भर मुंह संसार की चर्चा करेगा। कानों से राजनीति की बातें सुनोगे, राजनीति मन में बस जाएगी, होठ दिन भर राजनीति की चर्चा करेंगे। कानों से व्यापार की बातें सुनिए, मन में व्यापार बस जाएगा, होठ दिन भर व्यापार की चर्चा करेंगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनिए, हृदय कथा से भर जाएगा, होठ दिन भर कथा की चर्चा करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, भजन की चर्चा करेंगे। इसलिए जिस मनुष्य जो खाता है उसी की डकार लेता है, और जो सुनता है उसी की डकार लेता है, दोनों डकारें आती है। मूली खाइए, मूली की डकारें आएंगी आपको। हींग जीरे का रायता पीजिए, उसकी डकारें आपको आएंगी। कोई अच्छी चीज खाइए, उसकी बढ़िया मीठी डकारें आएंगी। आप केला खाइए, केले की डकारें आएंगी आपको। तो मनुष्य जो कानों से सुनता है उसी की दिन भर डकारें आती है उसको। पशु जो मुख से चबाकर भरता है दिन भर उसकी जुगाली करता है, और मनुष्य जो कानों से सुनकर भरता है दिन भर उसकी जुगाली करता है, दिन भर उसी की जुगाली आती है। इसलिए मुख हर समय भक्ति की, भगवान की, धर्म की, संस्कृति की, पुण्य की, सत्कर्मों की, श्रेष्ठता की चर्चा करे। इसके लिए बंधुओं भगवान की चर्चा सुनो, होठ दिन भर भगवान की चर्चा करेंगे। बिना भजन के भगवान मिलते नहीं, और कलयुग का सबसे सरल भजन है उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नहाते धोते भगवान का नाम गुनगुनाते रहिए, भगवान का नाम बुदबुदाते रहिए। भूल जाओ कोई बात नहीं, याद आ जाए फिर बुदबुदाना शुरू कर दीजिए, भगवान वहीं से पकड़ लेता है।